निशा जी के नुस्खे। क्या हुआ सरू, अम्मा से फिर से झगड़ा कर लिया क्या? झगड़ा नहीं भाभी, मूड खराब हो गया है। निशा भाभी, हमारे बाल देख रही हैं आप? रावण के 10-10 मुंह की तरह 10-10 मुंह के बाल हो गए हैं। ऊपर से शरद जी के रिलेटिव की शादी में जाना है, उन्होंने तो कह दिया बिल्कुल हटके दिखना। अब आप बताइए, इन बालों के साथ हम कैसे हटके दिखेंगे? ये तो वाकई में बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है। निशा भाभी, अब आप ही कुछ बताइए, कुछ तो हेल्प करिए आप। दो मुहे बाल हम सबका सर दर्द होते हैं, है ना? लेकिन बिल्कुल चिंता ना करें, इस प्रॉब्लम का भी एक बढ़िया हल है हमारे पास, अंडे का मांस। इसके लिए आपको चाहिए एक अंडा, 2-3 चम्मच नारियल का तेल और 1 चम्मच शहद। अंडे को तोड़ के पीले भाग को एक कटोरी में निकाल दें। उसमें नारियल का तेल, शहद मिलाकर मिश्रण बना लें। इस मिश्रण को 2 हफ्तों में एक बार बालों के तले में 1 घंटा लगाकर रखें और फिर ठंडे पानी से धोकर शैम्पू कर लें। केले का मांस, केले को अच्छी तरह मसल लें, उसमें दही और नींबू का रस मिलाकर मिश्रण तैयार कर लें। इस मिश्रण को पूरी तरह से बालों पे लगा लें और 1 घंटे तक रहने दें। बालों की जड़ों पर इसे बिल्कुल मत लगाइएगा, और एक बार आपने इसे लगा लिया फिर इसे ठंडे पानी और शैम्पू से धो दीजिए। चलो अब हीरोइन बनने के लिए तैयार हो जाओ। बाल सुंदर हो तो कितना सुंदर महसूस होता है, ऐसे जैसे कॉन्फिडेंस आ गया, है ना? आप भी अपने अंदर ये फीलिंग जरूर जगाए रखिए। निशा जी के नुस्खे। निशा जी के नुस्खे। बस कुछ दिनों की बात है, फिर बुढ़ापा झलकने लगेगा। ये सफेद बाल ना मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। हाँ अम्मा, तो मेहंदी से रंग लो। वो मेहंदी का ना नाम मत लो, हैं? बाल सारे लाल लाल, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाओ। हाँ, मेहंदी लगाने से लाल रंग हल्का सा आ जाता है, लेकिन अगर ध्यान से लगाओ तो भूरा या काला भी रह सकता है। घर बैठे बैठे सफेद बालों से छुटकारा भी मिलेगा और बालों को कोई नुकसान भी नहीं होगा। मेहंदी में भूरा रंग लाने के लिए एक लोहे के बर्तन में मेहंदी रखें। अब 1 कप पानी में कॉफी उबाल लें। अगर कॉफी नहीं है तो चाय पत्ती भी डाल सकते हैं, रंग भूरा ही मिलेगा। कॉफी जब गुनगुनी हो जाए तो पानी मेहंदी में मिला दें ताकि गाढ़ा पेस्ट बन जाए। पूरी रात इस पेस्ट को भीगने दें। इसे लगाने का तरीका बहुत ही आसान है। अगली सुबह ब्रश से इसे अपने बालों में लगा लें, उसके बाद गर्म पानी में टॉवल को भिगोइए और उसके बाद निचोड़ के अपने बालों पे उसे बांध लीजिए। 2-3 घंटे के लिए इसे अपने बालों में रखें और फिर ठंडे पानी से धो दें। आपको बालों में भूरा रंग मिल जाएगा। मेहंदी बालों का रूखापन हटाती है और बालों में एक अलग ही चमक लाती है। रूखापन हटाने के लिए चाहिए हीना, 2 चम्मच दही और 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल। मेहंदी, दही और सरसों का तेल मिला के पेस्ट बना ले। इसे भी पूरी रात रखें और अगली सुबह लगाएं। ऐसे ही मेहंदी हाथ पर लगाई हो तो उसका रंग चढ़ाने के लिए चीनी में नींबू का रस मिला ले। ऐसे ही इसे हाथ पर लगाइए, मेहंदी का रंग गहरा हो जाएगा। कैसे रहे अम्मा मेहंदी के फायदे? अब देखना, हम भी अपने बाल रंगेंगे और लल्लन टॉप लगेंगे। आप भी टिप टॉप और कॉन्फिडेंट महसूस करिएगा। मैंने तो आपको कितने सारे नुस्खे बता दिए, अब इस्तेमाल करने की बारी आप। निशा जी के नुस्खे। निशा जी के नुस्खे। अरे बाल कितने रूखा बेजान कर रखे। अरे जितना भी तेल पिलाओ कम है, सर से रूसी और रूखापन जाता ही नहीं है। कोई जू रेंगे कान पे तब ना है। निशा भाभी, अब आप ही कुछ कहो ना अम्मा को। अरे सर्दियों में तो ये आम परेशानी सबको होती है। इसका एक बहुत ही आसान नुस्खा है मेरे पास, जिससे बालों का रूखापन और रूसी दोनों चले जाएंगे। हाँ, मुल्तानी मिट्टी का पैक। मुल्तानी मिट्टी ना चेहरे की त्वचा के साथ साथ बालों को भी बहुत ही मुलायम बनाती है। अच्छा, इस मिश्रण को बनाने के लिए 3 चम्मच मुल्तानी मिट्टी, 1/2 कप सिरका और उसके साथ 2 चम्मच बेसन। इन चीजों को अच्छे से मिलाइए और उसके बाद इस मिश्रण को बालों की जड़ों से लेकर अंत तक लगाइए। जब तक सूख ना जाए तब तक मिश्रण को बालों में रखें और उसके बाद गुनगुने पानी और शैम्पू से बाल धो दें। रूखापन और रूसी दोनों चले जाएंगे। और इसी तकलीफ का एक और बहुत ही आसान नुस्खा है मेरे पास, दूध और शहद का मिश्रण। इस मिश्रण को बनाने के लिए 1 कप दूध और 1 चम्मच शहद को ठीक से मिलाएं। उसके बाद
इस मिश्रण को बालों की जड़ों से लेकर बालों के अंत तक लगाएं। इसी चीज को 15 मिनट तक अपने बालों में रखें और उसके बाद गुनगुने पानी या शैम्पू से बालों को धो दें। निशा भाभी, इस मिश्रण को रोज लगाना है? अरे नहीं पगली, 15 दिनों में एक बार, ताकि तुम्हारे बाल सर्दियों की तेज और तीखी हवा झेल पाए। इसी चीज को अंग्रेजी में हेयर स्पा कहते हैं। अरे वाह निशा, चमकती खूबसूरती के लिए आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, खूब अच्छा खाना खाएं, ढेर सारा पानी पिए और व्यायाम करें। आखिर खूबसूरती का असली राज अच्छा स्वास्थ्य होता है। अगर आप स्वस्थ रहेंगी तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप अपने आप ही खूबसूरत महसूस करेंगी। निशा जी के नुस्खे, निशा जी के नुस्खे। निशा भाभी देखिए ना, यह हाथों के बाल कितने खराब लग रहे हैं। कोई घरेलू नुस्खा नहीं है ना हटाने का? क्योंकि महीने में 2-3 बार पार्लर जाना बहुत महंगा पड़ता है। बस इतनी सी बात, बेसन के मिश्रण से ये बाल बहुत ही आसानी से हट सकते हैं। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 2 बड़े चम्मच बेसन, 1 बड़ा चम्मच मलाई, 2 बड़े चम्मच चंदन पाउडर, 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल, 1 बड़ा चम्मच गुलाब जल और चुटकी भर हल्दी। बेसन में मलाई अच्छे से मिला लें। इसमें चंदन पाउडर, सरसों का तेल और गुलाब जल मिलाएं। अब चुटकी भर हल्दी मिला लें और मिश्रण तैयार है। लेकिन निशा भाभी, इसे लगाना कैसे है? इन नुस्खों को लगाना कैसे है ये तो मैं बाद में बताती हूँ, लेकिन पहले एक और तरीका सुन लो। लाल मसूर दाल का मास्क। मसूर की दाल को मिक्सी में दरदरा पीस लें। 2 बड़े चम्मच मसूर दाल कटोरी में लें, उसमें मुल्तानी मिट्टी मिला लें। अब चंदन पाउडर और शहद मिलाकर मास्क तैयार कर लें। इन मास्क को उबटन भी कहते हैं। अब उबटन से तो आप समझ ही गई होंगी कि इसे लगाना कैसे है। इन दोनों में से जो भी आपको पसंद हो उस मास्क को 20 से 25 मिनट तक लगाकर सूखने दें। इसके बाद बाल की उल्टी दिशा में रगड़ें और उसके बाद गुनगुने पानी से इसे धो दें। पर ध्यान रखिए कि इस नुस्खे से बाल धीरे धीरे हटते हैं, इसीलिए इसे हफ्ते में एक बार जरूर इस्तेमाल करें। अरे वानिशा भाभी, अब तो हाथ बड़े साफ साफ दिखेंगे। सिर्फ साफ साफ ही नहीं, बल्कि हाथों में एक बहुत ही अच्छा निखार भी आएगा। और अगर आप अच्छा महसूस करेंगी तो इससे ही तो परिवार की खुशहाली जुड़ी है। तो आप अपना ख्याल जरूर रखें। निशा जी के नुस्खे। आहा।